युद्ध में कई महाविनाश हथियार इस्तेमाल होते हैं। कभी माना जाता है कि जिसके पास टैंक होगा वो किसी भी युद्ध को जीत सकता है, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध ने इस धारणा को बदल दिया। रूसी सेना के कथित तौर पर 100T90 मैच मेटल टैंक MBT खो दिया है। इतने बड़े पैमाने पर टैंकों को खोना रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए अपमानजनक हो सकता है, जिन्हें वह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। लेकिन इस युद्ध में सिर्फ रूसी ही नहीं, यूक्रेन और अमेरिका की ओर से दिए गए टैंकों को भी नुकसान हुआ है। डच ओपन सोर्स खुफिया वेबसाइट ओरिक्स ने T90 के नुकसान का दस्तावेजीकरण किया है। ये दोनों पक्षों के सैन्य नुकसान को ट्रैक और सत्यापित करती है। T90 के नुकसान की संख्या ज्यादा हो सकती है क्योंकि ओरिक्स केवल दृश्य साक्ष्य द्वारा समर्थित नुकसान का दस्तावेजीकरण करता है। बहरहाल इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपडेट किया गया था जिसमें T90 MBT के विनाश को दिखाया गया था। फुटेज के साथ पोस्ट किए गए कैप्शन में लिखा है, ओरिक्स डेटाबेस के मुताबिक T90M टैंकों ने 100 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। टैंकों को होने वाले बड़े नुकसान का कारण ड्रोन का युद्ध में आना है। यूक्रेनी बल फर्स्ट पर्सनल व्यू ड्रोन का इस्तेमाल करता है। हमला करने वाले ड्रोन सरल और आसानी से उपलब्ध हैं। इन सभी हमला करने वाले ड्रोन को बेहतर नियंत्रण के लिए ऑपरेटर की आंखों और माथे पर लगे वर्चुअल रियलिटी स्क्रीन जरिए नियंत्रित किया जाता है। हाल ही के महीनों में यूक्रेन ने रूस के जिन टैंकों को नष्ट किया है उसमें 2/3 ज्यादा ड्रोन को उपयोग से नष्ट कर दिया गया है। रूस ने कुछ T90M को टैंक विरोधी हथियारों और ड्रोन से बचाने के लिए स्टील के पिंजरे लगाए गए। हालांकि कई वीडियो फुटेज दिखाते हैं कि ये हमला हमेशा प्रभावी नहीं होते। हालांकि दूसरी तरह यूक्रेन की टैंक भी ड्रोन हमलों में तबाह हुए। जर्मन लियोपार्ड 2 और अमेरिकी अब्राहम समेत कुछ बेहतरीन पश्चिमी हथियारों को रूस ने तबाह किया। एक यूक्रेनी कमांडर ने हाल ही में यह चेतावनी दी थी कि अब्राहम को बचाने के लिए अधिक आमरण की जरूरत है।